हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ फिफ्थ क्लास, आई एम योर नेहा मैम फ्रॉम ग्रीन पार्क सीनियर सेकेंडरी स्कूल। लास्ट टाइम हमने पेज नंबर 10 ईवीएस का कर लिया था कंप्लीट। सो ईवीएस में पेज नंबर 10 लास्ट में हमने पढ़ा था अबाउट ग्रेगर जॉन मेंडल। एंड नेक्स्ट हम एक और यहाँ पर साइंटिस्ट के बारे में देखने वाले हैं जिनका नाम है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। सो लेट्स रीड आउट। डॉक्टर हरगोविंद खुराना रोट सेवरल रिसर्च पेपर्स ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू जेनेटिक कोड। डॉक्टर हरबिंद खुराना जो हैं उन्होंने बहुत सारी खोज की थी और इनको लिखा था अपने पेपर्स में। और इन्होंने किस पर खोज की थी? इन्होंने खोज की थी अबाउट जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड मीन्स होता है आपका अनुवांशिकी के संकेतों पर इन्होंने खोज की थी और उसका निर्धारण, डिटर्मिनेशन उसका निर्धारण किया था। सो फिलहाल जीके पर्पस पे आप इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे और इसके बारे में आप अपने आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। सो आगे देखते हैं। फॉर दिस ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़। और इसके लिए इन्होंने ये अवॉर्डेड हुए थे नोबेल प्राइज़ से, इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। नेक्स्ट देखें। सारिका डिड अंडरस्टैंड दैट वी आर लाइक अवर पेरेंट्स। सारिका ने ये समझा कि हम अपने पेरेंट्स की तरह ही होते हैं और अदर मेम्बर्स ऑफ अवर फैमिली, और या तो पेरेंट्स की तरह होंगे या फिर हमारी कोई और फैमिली मेम्बर्स की तरह हम दिखते हैं। बट वाई ऑल मंकीज आर अलाइक। लेकिन मंकीज जो होते हैं वो सेम फीचर्स में क्यों होते हैं? शी वॉज कन्फ्यूज अबाउट दिस। वो इसके बारे में थोड़ी सी कन्फ्यूज थी। आगे देखते हैं। यहाँ पर डिस्कस एंड टेल। आर ऑल लिविंग बींग्स अलाइक एक्सेप्ट ह्यूमन बींग्स? क्या सभी लिविंग बींग्स जो होते हैं वो ह्यूमन बींग्स को छोड़कर एक जैसे दिखाई देते हैं? जिससे कि अगर काफ की बात की जाए तो काफ जो है बिल्कुल काऊ की जैसा ही दिखाई देता है। हाउ डज अ काऊ रिकोगनाइज हर काफ? कैसे एक जो काऊ है वो अपने काफ को रिकोगनाइज, अपने बछड़े को रिकोगनाइज कर पाती है? नेक्स्ट पॉइंट है, हाउ डज योर मदर रिकोगनाइज यू इन अ क्राउड? आपकी जो मदर हैं वो कैसे आपको एक भीड़ में, क्राउड में रिकॉग्नाइज कर पाती हैं, आपको जान पाती हैं? ऑफ कोर्स एवरी लिविंग बीइंग हैज सर्टेन फीचर्स। बिल्कुल हर एक लिविंग बीइंग में निश्चित कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं ऑफ हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स की ओर से, और फोर फादर्स या फिर उसके पूर्वजों की ओर से। बट दे आर ऑल्सो डिफरेंट। लेकिन वो कुछ अपने आप में कुछ अलग भी होते हैं ड्यू टू सम अदर फीचर्स। कुछ अलग उनमें, उनके अंदर विशेषताएं भी पाई जाती हैं। इवन ट्विंस, जबकि जो जुड़वा होते हैं, ट्विंस जो होते हैं, ड्यू टू सम फीचर्स कुछ विशेषताएं उनमें भी ऐसी होती हैं, आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, जो कि उनको एक दूसरे से अलग दिखाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम। चैप्टर रिकॉल में आपको चैप्टर के बारे में बता रखा है, तो ये पॉइंट्स आप अपने आप रीड आउट करेंगे। यहाँ पर एक्सरसाइज में हम देखेंगे फीचर। फर्स्ट है आपका फीचर एट्रीब्यूट्स पासिंग ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन द फैमिली इज कॉल्ड। ऐसी विशेषताएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे परिवार में पासिंग होती रहती है, इट मीन्स आगे आगे की ओर बढ़ती रहती है, वो विशेषताएं कहलाती हैं। तो इसमें आएगा आपका इनहेरिटेंस, INHERITANCE, इनहेरिटेंस, INHERITANCE, इनहेरिटेंस। सेकेंड क्वेश्चन हम देखेंगे, राइट द नेम्स ऑफ एनी टू साइंटिस्ट हु वर्कड इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स। यहाँ पर आपको कोई से भी दो वैज्ञानिकों का नाम लिखना है जिन्होंने जेनेटिक्स की फील्ड में वर्क किया है। सो फर्स्ट इज ग्रेगर जॉन मेंडल, जैसे कि आपको ऊपर यहाँ पर बताया गया था पेज नंबर 10 पे। और अनादर वन इज डॉक्टर हरगोबिंद खुराना। तो इन दोनों के जो नेम्स हैं आपको यहाँ पर अपने आंसर्स में लिखने हैं। नेक्स्ट है, हेरिडिटरी सिम्टम्स फीचर्स आर रिसीव्ड फ्रॉम। हेरिडिटरी सिम्टम्स या जो विशेषताएं होती हैं ये हमें किन से मिलती हैं? पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स से, पिता संबंधी जो दादा दादी आपके होते हैं उनसे, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स से, नाना नानी से, पेरेंट्स से, आपके मम्मी पापा से, या इन सभी से मिल सकते हैं। सो यहाँ पर आंसर आएगा आपका ऑल डी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हम नेक्स्ट टाइम बोर्ड पर करेंगे और मैं आपको इसे अच्छे से डिफाइन करूँगी।
नेक्स्ट है यहाँ पर एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चंस, तो ये भी देखते हैं। योर रिलेशनशिप विद योर मदर्स ब्रदर इज दैट ऑफ, आपका जो संबंध है अपने मदर के ब्रदर से वो होगा, सो ए इज नेफ्यू, बी ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर, सी सन और डॉटर, डी नन ऑफ दीज। सो मदर्स ब्रदर जिन्हें आप मामा कहते हैं, तो उनके लिए आप क्या लगते हैं, आप उनके भांजे या भांजी लगेंगे। सो इसमें आंसर आएगा ए नेफ्यू। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड, फादर ऑफ योर फादर इज योर फादर ऑफ योर फादर, इट मींस आपके फादर के जो फादर हैं वो आपके क्या लगेंगे। सो ऑप्शंस देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया है ए अंकल, बी ग्रैंड मदर, सी ग्रैंड फादर, डी मैटरनल अंकल। सो फादर ऑफ योर फादर आपके दादाजी लगे, तो इसीलिए यहाँ पर आएगा सी ग्रैंड फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आपका थर्ड क्वेश्चन है योर रिलेशनशिप विद योर फादर्स ब्रदर इज दैट ऑफ, आपके फादर्स के जो ब्रदर हैं, इट मीन्स आपके पापा के जो ब्रदर हैं वो उनके साथ आपका क्या रिलेशन है। तो ए ब्रदर, बी सन, सी पैटर्नल अंकल, डी मैटर्नल अंकल। सो फादर्स ब्रदर हैं तो पिता पक्ष हुआ, तो इसीलिए यहाँ पर आपका आंसर आएगा सी पैटर्नल अंकल, पैटर्नल अंकल मतलब चाचा जी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर फोर, इन अ न्यूक्लियर फैमिली चिल्ड्रन आर ब्रॉट अप बाय, एक एकल परिवार में जो बच्चे हैं उनकी अपब्रिंगिंग या उनका ध्यान रखा जाता है किनके द्वारा। सो ए इज पेरेंट्स, बी पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, सी मैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, डी अंकल आंट। तो एक न्यूक्लियर फैमिली में, मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों कि न्यूक्लियर फैमिली में ओनली फोर मेंबर्स होते हैं, देयर पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर ध्यान रखने वाले ओनली पेरेंट्स होंगे, तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका ए पेरेंट्स। फिफ्थ क्वेश्चन हम बोर्ड पर इसे करवाएंगे आपको। सिक्स पे देखिए आप, लुक एट द पिक्चर बिलो एंड आइडेंटिफाई द पर्सनैलिटी, आप नीचे ये पिक्चर देखिए और आप बताइए कि ये कौन है। सो आप देखेंगे अपनी बुक में, हमने 10th और 11th पेज पे भी देखा था, तो आई थिंक आपको ध्यान आ गया होगा। सो ही इज डॉक्टर हरगोविंद खुराना, तो यहाँ आपका आंसर आएगा डॉक्टर हरगोविंद खुराना, बी। सो हमारा ये जो चैप्टर है ये फिनिश हो गया है, बट इसके क्वेश्चन आंसर्स, कुछ जो क्वेश्चन आंसर्स बचे हैं हम इसे बोर्ड पे करेंगे, और अभी के लिए आपको ये जो वर्क है ये आपके अब होम टास्क में करना है। सो आप इसे होम टास्क में रेडी रखेंगे और हमें चेक करवाएंगे। थैंक यू।